गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू शिवरावत चैन ऑफ लाइफ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। और आज का ब्लॉग इज एक्चुअली शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, एंड ये मेजरली फॉर द स्टूडेंट्स होगा और बेसिकली फॉर द यूनिवर्सिटी होगा जहाँ मैंने विजिट किया है, और उनके लिए भी होगा जो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं। तो ये बेसिकली इट इज़ अबाउट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो वहाँ तो मैंने एक्टिविटी कवर की थी जिसके लिए मैं गया था। मैं वहाँ पे गया था एज ए कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड मेंबर एंड टू अटेंड दैट मीटिंग जो साल में एक बार होती है। हालांकि पिछले दो साल से जाने का बन रहा था प्लान बट नहीं जा पाया। इस साल मैंने कहा नहीं जाते हैं तो मैं गया, एंड बी मीट और नॉट द एक्सपीरियंस वॉज ऑसम। और हालांकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम मैंने सुना था लेकिन मैंने कभी उधर विजिट किया नहीं था, और अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं गया हूँ। तो ये जो यूनिवर्सिटी में मैं गया, आई रीच एक्चुअली ऑन फर्स्ट मार्च को मैं गया था। बट उससे पहले जो प्लान था तो हमने कहा ठीक है, प्लान है क्या एक्सपीरियंस, एक हम अपने आप ही एक आदमी इमेजिनेशन कर लेता है कि द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर गोइंग टू हैव, किस तरीके का काम वहाँ पे होने वाला है, किस तरीके का प्रोग्राम होगा, एक अपने आप में एक दिमाग में चल जाता है। एंड देन यू डू सर्च ऑल्सो, देन उसमें आपको कुछ पता चलता है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे ये उसके उलट था। फर्स्ट ऑफ ऑल द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दे हैव गिवन, जो हॉस्पिटैलिटी होती है वो स्टार्ट हो गई आपकी यू नो फ्लाइट में चढ़ने से पहले, क्योंकि आपका बोर्डिंग पास एंड एवरीथिंग आपके पास आ गया, आपको उसके ऊपर कुछ करना नहीं पड़ा। जैसे ही आप लैंड करने से पहले आपके पास लाइजनिंग ऑफिसर्स का डिटेल आ गया कि व्हेन आई से लाइजनिंग ऑफिसर, जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट उन्होंने इंडिविजुअल के लिए उन्होंने असाइन किया उसकी डिटेल आ गई कि आपके साथ रहेगा। तो हमने सोचा खाली पिकअप एंड ड्रॉप तक रहेगा, लेकिन एज सून एज आई अराइव वहाँ पहुँच के देखा तो यू नो करण बेसिकली हु इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट देयर, हमको रिसीव करने आया, एंड दैट वाज द इंडिविजुअल रिसीविंग। तो मैंने उनको पूछा कि क्या इंडिविजुअल वगैरह सबके साथ है, बोला हाँ सर आपके साथ मैं पूरा टाइम रहूँगा एंड इट्स ए इंडिविजुअल लाइजनिंग। मैंने कहा वाह वेरी गुड। एंड वहाँ से हम गए होटल में द ललित में दे हैव मेड द अरेंजमेंट्स, वहाँ जाके रहे। फिर इवनिंग में डिनर था तो ऑफ कोर्स डिनर वगैरह तो जो करना था हमने कर ही लिया, लेकिन मेन प्रोग्राम जो था वो था नेक्स्ट डे। जब हम नेक्स्ट डे पहुँचे, सुबह जब चीज़ें तैयार हुई 9:45 हमने वहाँ से डिपार्ट किया, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं और हर एक के लिए एक एक लाइजनिंग ऑफिसर अटैच्ड, और हर एक के लिए एक एक गाड़ी सेपरेटली अटैच थी टेक देम टू द यूनिवर्सिटी। एंड यूनिवर्सिटी का पूरा डेढ़ दिन का एजेंडा था कि क्या कैसा प्रोग्राम होने वाला है, क्या चीज़ हमें दिखाने वाले हैं, किस तरीके की मीटिंग्स होने वाली हैं। तो जैसे ही हम पहुँचे, वो फोटोज़ मैं देखूँगा इसमें कहीं ना कहीं, या आपने अगर मेरा व्लॉग देखा होगा तो उस व्लॉग में आप देख लीजिएगा कि कैसे किस तरीके से उन्होंने स्वागत किया। तो जैसे हम एंटर किए, रेड कारपेट था, रेड कारपेट के बाद हम ऊपर गए तो वहाँ पे यू नो स्टूडेंट्स थे, एनसीसी कैडेट्स थे, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई, वहाँ पे उन्होंने स्वागत किया। उसके बाद राइट साइड में गए तो वहाँ पे यू नो जितने बच्चे थे उन्होंने अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट किया था बाय वेयरिंग देयर ड्रेस कोड। वो करने के बाद फिर हम गए तो वहाँ पे एक बड़ा होर्डिंग लगा था, वहाँ पे श्री सतनाम सिंह संधू जी एंड मिस हिमानी सचदेवा, उन्होंने हमारा स्वागत किया। वो यू नो क्या बोलते हैं उसको, फुलकारी डाल के। तो एट वॉज़ ए अमेजिंग मोमेंट। मैंने कहा यार इसके बाद, उसके बाद जैसे गए तो दरवाज़ा खुला, जैसे दरवाज़ा खुला तो बाहर बहुत बड़ी स्क्रीन लगी थी जिसमें आपकी फ़ोटो भी डिस्प्ले हो रही थी। वहाँ गए, आपका टीका हुआ, उसके बाद जैसे ही आप फ़ोटो के लिए पलटे तो पीछे पूरी स्क्रीन में आपकी फ़ोटो आ गई। मतलब एक्सपीरियंस वॉज ऑसम। एंड देन ऑफकोर्स वहाँ जाके हम अपने कलीग से मिले। मिलने के बाद जब हम चले गए एक सेंट्रल हॉल में जहाँ पे संधु साहब ने एड्रेस किया लोगों को, एक्सपेक्टेशंस बताई, विकसित भारत 2047 का जो पीएम का प्लान है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। एंड देन उसके बाद हम डिवाइड हो गए अलग अलग बोर्ड रूम में जहाँ पे करीब 10-15 से आसपास बोर्ड मेंबर्स जो थे वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने डिस्कशन किया 4 एजेंडा पॉइंट्स पे कि कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं इंडस्ट्री और एकेडमिया टू अचीव विकसित भारत स्टेटमेंट ऑफ आवर पीएम। ये करने के बाद ये सब हुआ, एंड देन उसके बाद वी वेंट फॉर ए लंच। लंच की जो बात मैं आपको अगर बताऊंगा तो लंच भी जो बुफे लगा था तो मुझे लगा कि ये ललित का बुफे लगा दिया होगा, बट इट ये ललित वाला बुफे नहीं था। मतलब ये आपका बुफे जो था वहाँ के स्टूडेंट्स ने बनाया था, और इतना बड़ा और इतना आलीशान बुफे था कि मतलब हम हैरान हो गए। मैं स्टूडेंट्स को पूछा, मैंने कहा ये आपने बनाया है, देन वी वर सरप्राइज टू सी दैट ईच एंड एवरीथिंग मेड बाय देम। क्लास
और स्वाद की बात मैं अगर करूँ तो उससे पता चल जाता है कि जिस तरीके की वो स्टडी वहाँ पे कर रहे हैं, उस स्टडी के साथ साथ उन्होंने जो उसको डेमोस्ट्रेट किया वॉज ऑसम। ये होने के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट मीटिंग था वो था हमारा स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन। सो उसमें भी अलग अलग बैच, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, 90 एकड़ के आसपास कुछ स्प्रेड है, तो वहाँ पे हम गए एक बड़े ऑडिटोरियम में हम लोग मिले वहाँ पे प्रोफेसर और हम गए, एंड देन वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन था। आई थिंक 250-300 के आसपास स्टूडेंट रहेंगे, एंड देन दे वर थ्रोइंग क्वेश्चंस टू अस एंड वी वर आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस भी ऐसे कि लगता था कि मैच्योर क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके ग्राउंड से। वो क्वेश्चंस का आंसर करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले, एंड देन हमको लेके देन ऑफकोर्स टी ब्रेक हुआ, टी वगैरह पीने के बाद देन वी वेंट टू मीट द सुपर अचीवर्स ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। एंड ये हमारे लिए कहते हैं ना गूज बम वाला मोमेंट था, जब हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स थे जो एकेडमिक में उन्होंने इतने सारे पेटेंट फाइल किए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतने सारे पेटेंट फाइल किए, द काइंड ऑफ अवार्ड्स दे हैव रिसीव्ड वाज अमेजिंग। मतलब क्या बोलूँ मैं, छोटे छोटे बच्चे लेकिन जबरदस्त काम किया हुआ। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में आए तो वहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी थी, जहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके उन्होंने काफ़ी कुछ यू नो प्रमोट किया है, तो वो देखा तो उसमें भी बहुत अच्छा लगा। इवन हर्षदीप सिंह जो बॉलर हैं वो भी वहीं से पढ़े हुए, उनका वीडियो भी था तो उनसे भी सुना हमने, ही वॉज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। देन लास्ट वाला था आपका कल्चरल वाला, जिसमें कल्चरल को प्रमोट किया जा रहा है, अपने थिएटर ड्रामा म्यूजिक ये सबको प्रमोट करा जा रहा है, तो वो एक अलग इवेंट था। तो वो उस इवेंट में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज वी वर एबल टू इंटरेक्ट विद द यंग अचीवर्स। उसके बाद हम लोग चले गए एग्जीबिशन में, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी रिसर्च की हुई है, मतलब अलग अलग एरिया में रिसर्च की, और ऐसी ऐसी रिसर्च में आपको बोल भी नहीं पाऊंगा कि इतनी रिसर्च आप किसी को बोल नहीं सकते कि ये कम है ज़्यादा। एंड वी वर ऑल्सो एबल टू कम्युनिकेट आवर यू नो इश्यूज और द इंडस्ट्रीज इश्यूज विद देम, उनके साथ हम शेयर कर पा रहे थे। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम एक न्यू सेंट्रल लाइब्रेरी थी, वहाँ हम गए, सेंट्रल लाइब्रेरी भी वॉज ऑल्सो अमेजिंग, बहुत बड़ी द काइंड ऑफ वे। एंड ये लास्ट कैब में बताया गया था कि इस तरीके की लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने उसको कैब का जो एक्शन पॉइंट था उसको फुलफिल वहाँ पर किया। एंड देन वहाँ से निकलते वक्त हम चले गए कल्पना चावला सेंटर में, जहाँ पे स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पे अपनी रिसर्च हमें दिखा रहे थे, उनसे मिले, ड्रोन था, फिर आपका रॉकेट्स था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई। वहाँ पे हमने अपनी प्रॉब्लम उनको बताई कि इंडस्ट्री का क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से इंडस्ट्री के लिए आपको काम करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। तो वो सारा इंटरेक्शन होने के बाद देन हम निकल गए होटल की तरफ, क्योंकि जब होटल पहुंचे तो 9 बज चुके थे, 8:30 बज चुके थे। तो वहाँ इवनिंग में उनका कल्चरल प्रोग्राम था, जहाँ पे कल्चरली जो ड्रामा एक प्रस्तुत होने वाला था आपका चार्ली चैपलिन और एडोल्फ हिटलर का, वो हमने देखा और वो भी परफॉर्म किया वहीं के स्टूडेंट्स, एंड द परफॉर्मेंस वॉज ऑसम। एंड ऑफकोर्स उसके बाद भांगड़ा परफॉर्मेंस तो थी और बनती ही थी। ये होने के बाद नेक्स्ट डे, ये ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये ओवरऑल प्रोग्राम हमारा हुआ। एंड देन ऑफकोर्स नेक्स्ट डे वॉज ए ब्रीफिंग एंड कंक्लूडिंग राउंड विच वी हैड। ये जो एक्सपीरियंस था और जो हमने यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर किया, और उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर किया वॉज मार्वलस, मतलब एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। सो आई थॉट लेट मी शेयर दिस विद यू, क्योंकि इसके पहले मैं एक यूनिवर्सिटी गया था, गतिशक्ति यूनिवर्सिटी, तो वहाँ को मैंने बात करी थी, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको देखा था, एंड दे वेंट दोस कॉलेजेस ऑल्सो। बट ये यूनिवर्सिटी जाने के बाद आई रियली फेल्ट दैट द यूनिवर्सिटी रियली डूइंग एंड गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स टू यू नो एक्सप्लोर देमसेल्फ। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच, एंड नो स्पॉन्सरशिप फ्रेंकली स्पीकिंग। ये जो मेरा है कि शेयर करना, तो आई शेयर इट, आई एम शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, चेन ऑफ लाइफ।